उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदौसी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पथराव तराहा से दो आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस विषय में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया है कि दो ऐसे अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो कि बंद पड़े मकानों की रेकी करने के बाद रात में उन घरों से LED, सोने, चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो जाते थे, जिनको पथरावा तराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चंदौसी कोतवाली में PC हुई है, जिसमें दो अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, क्या मामला? थाना कोतवाली चंदौसी में पिछले दिनों से दो चोरियां हो गई थी, जिसमें काफ़ी घरेलू सामान चला गया था और ये बंद मकानों में चोरी की गई थी। इसमें जनेठा गांव के दो लोग, एक सौलत और सलीम, पकड़े गए हैं और तीसरा लड़का रजीव भागने में कामयाब रहा। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये रजीव खाली मकान देखता था, जो कौन सा बंद मकान है, और उसके बाद उसको रेकी करने के पश्चात ये चोरी कर लेते थे और घरेलू सामान जिसमें LED और सोने चांदी के जेवर थे चोरी कर लेते थे, जिसमें दोनों पकड़े गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है, रजी की तलाश की जा रही है। सर, इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी थे पिछले क्या? इनका थाना मजिस्ट्रेट से मालूम किया गया है तो कई रिकॉर्ड इसके रजी के हैं, और सौरभ जयपुर में रहता था, वो यहाँ वहाँ से चोरी करने आता था और चोरी करके चला जाता था।